हाय शुभम, सगाई दादी सांगा कि सबसे पहले मुझे बताओ कि आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही मेरी? हेलो आकाश, ठीक है, वेट कर लेते 2 मिनट, सबको आने दो। ठीक है, ज्वाइन हो रहे। मुझे बताओ यूट्यूब पे बेटर है या इंस्टा पे लाइव करना? यार कई ऐसे बंदे हैं कि उनके पास ना इंस्टाग्राम ही नहीं है, तो वो बोल रहे थे कि यूट्यूब बेटर है। धन्यवाद, एक्शन भी। विच कॉलेजेस विल प्रिफर भाई, सबको आने दो और कैटेगरी वगैरह सब कुछ बताना, ठीक है? और जो भी क्वेरीज हैं वो अच्छे से डिस्क्राइब करके, अच्छे से नरेट करके मुझे क्वेश्चन बताना, ठीक है? भाई आज का टॉपिक जो आप बोलो, जो आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, ठीक है? वैसे भी आप डीएम करते रहे तो यार चैट में बोलो। आज के बारे में, आज के लाइव सेशन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। भाई ऐसे में लाने दो, ठीक है? महाराष्ट्र से है ना तो विशाल काटकर, ऐसे में लाने दो। ऐसे में लाने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है? क्योंकि ये एस एम एल पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है इस साल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि 3070 भी कैंसिल, ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला है, तो वो भी एक फैक्टर है। और सीट्स भी बढ़ी है इस साल, ठीक है? और जो यूपी वगैरह साइड है ना, वहाँ पे ना बहुत सारे, मतलब रिजल्ट उनका बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा, उसकी वजह से अपना रैंक बहुत हाई गया है, तो शायद आपको मिले विशाल गाडकर जी। ऐसे में आने दो, एस एम एल पे सब कुछ डिपेंड रहता है। और बताओ सर, एस सी कैटेगरी में MBBS महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कितने लगते मिनिमम? यार वैसे तो मार्क्स पे बेसिस, मार्क्स नहीं बता सकता मैं, मार्क्स नहीं बता सकता, क्योंकि यार इस साल ना बहुत चेंजेस हुए हैं, ठीक है? वो मैंने अभी बताया ना, वो यूपी के साइड बहुत सारे मार्क्स बढ़े इस साल, उसकी वजह से अपना रैंक बढ़ा है, तो मार्क्स नहीं बता सकता। बट थोड़ा सा वेट करो एस एम एल आने तक, अपना महाराष्ट्र का एस एम एल आएगा, उस पर ही डिपेंड करेगा सब कुछ, ठीक है? हेलो हेलो,
एससी कैटेगरी 387 एनी चांस इन स्टेट कोटा महाराष्ट्र। भाई तुझे रुकना पड़ेगा थोड़ी देर, ठीक है। अभी जी 3070 कैंसल झालं का? ऑलमोस्ट कॅन्सलच झालंय, ठीक आहे, ऑलमोस्ट, बट थोडंसं होल्डवरती आहे ते। रिझल्ट येणार आहे आय थिंक 28 ऑक्टोबर को, शायद रिझल्ट आ सकता है उसका, ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। वो कैंसिल ही होने वाला है 3070। विच कॉलेज इन महाराष्ट्र ओबीसी कैटेगरी? वो ऑल इंडिया रैंक पे डिपेंड नहीं रहता, शायद आप ऑल इंडिया कोटा से ज्वाइन करते तो वो ऑल इंडिया कोटा पे डिपेंड रहता कि कौन सा कॉलेज प्रीफर करे। तो थोड़ा सा वेट करो एसएमएल आने तक, एसएमएल पे डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। ठीक है ना, वीडियो रिक्वेस्ट भी लेंगे अपन। थोड़ा सा वेट करो, सबको आने दो। आज के बारे में कुछ मतलब बहुत लोगों को पता नहीं है, तो देखते। कृतिका सर रैंक पे जीएमसी मिलना मिलेगा क्या? कितना रैंक है? 10,000। 100% कृतिका आपको मिलेगा सर, विजय कैटेगरी महाराष्ट्र एमबीबीएस 497 आपको भी मिलेगा। शुभम राठौड़ आप भी सेफ हो, ठीक है। एसएमएल यही एकदा आपल्या महाराष्ट्राचं जे सीईटी सेल आहे, ऑलमोस्ट आय थिंक सीईटी सेल आहे, त्याचं नोटिफिकेशन येऊ द्या। नोटिफिकेशन आल्यानंतर कळेल, ठीक आहे यार। थोडासा वेट करा। 533 ओबीसी महाराष्ट्र। नयन जी थोड़ा सा वेट करो यार, ठीक है। कैन ड्राइव फॉर ऑल इंडिया कोटा? विशाल काटकर एक बार मार्क्स बताइए, क्योंकि आपके मार्क्स भूल गया मैं। ऑल इंडिया कोटा के लिए आपको अप्लाई करना है। नयन थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है तुझे मिलेगा, बट एसएमएल आने दो यार, ठीक है। एसएमएल पे यार नेट बहुत स्लो चल रहा है मेरा, बहुत ही स्लो। मैं दिख रहा हूँ ना क्लियर? मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है ना सर? आई गॉट 470 मार्क्स इन आंध्र प्रदेश एस सी कैटेगरी। भाई तू भी सेफ है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला एपी में भी, तो तू भी सेफ है। अनंत साई तू भी सेफ है। अबाउ 450 मार्क्स एस सी रैंक कैटेगरी रैंक, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट में, हाँ सेमी गवर्नमेंट पे 100% मिलेगा, ठीक है। तू गवर्नमेंट के लिए भी रुक सकता है, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर। 450 के आगे वाले से पे गवर्नमेंट भी मिल सकता है उनको, ठीक है। रोनल्ड ढवळे राहुल 465 एससी कैटेगरी महाराष्ट्र, तू भी से पे भाई, ठीक है। और वो भी बताना किसी का स्पेशल रिजर्वेशन हो तो, ठीक है, वो बहुत मैटर करता है, बहुत ही ज़्यादा। 580 मार्क्स 30,000। भाई कैटेगरी बताना, ठीक है। रियल प्रसाद पाटिल कैटेगरी बताओ यार, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। एससी कैटेगरी 387 एससी कैटेगरी रैंक, ठीक है। विला अकेडमी में बेस्ट मेडिकल कॉलेज फ्रॉम स्टेट कोटा। भाई अरविंद थोरात यार मुझे तो नहीं लगता, बट यार थोड़ा सा वेट कर, ठीक है। एसएमएल पे डिपेंड करता है एसएमएल तुझे, मुझे लगता है कि तू एंड तक रुकना चाहिए मोपो फ्रॉम तक, तुझे मिल सकता है, ठीक है सर। 571 यूअर अनरिजर्व महाराष्ट्र, एनी गवर्नमेंट चांसेस? एनी गवर्नमेंट चांसेस? गवर्नमेंट के चांसेस तो बहुत कम है, बट आपको प्राइवेट मिलेगा, ठीक है, 100%। हाँ मिल सकता है यवतमाल शिवम, तो आपको प्रिफरेंस अच्छे से फिल करने होंगे सर। एम एस टी कैटेगरी, हाँ एम एस टी कैटेगरी आई गॉट 470 मार्क्स इन आंध्र प्रदेश। हाँ भाई अनंत साई तुझे बताया मैंने, तू सेफ है, ठीक है। बपनी हवेस कट ऑफ ऊपर गया तो भीती बढ़ते। अरे नहीं जाएगा कट ऑफ ऊपर जी, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। अपना पहले ही महाराष्ट्र का मतलब रिजल्ट बहुत कम आया है, तो रिजल्ट ज़्यादा से ज़्यादा वो लातूर साइड और नांदेड़ साइड का रिजल्ट अच्छा आया है, तो इसके बेसिस पे सबको डर लग रहा है, पता है मुझे, बट ओवरऑल रिजल्ट ना महाराष्ट्र का बहुत कम आया है, तो यार इतना भी ऊपर नहीं जाएगा।
टेंशन मत लो, ठीक है, वो काउंसलिंग पे ध्यान दो, नोटिफिकेशन चेक करते रहो, ठीक है, किसी को ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग करनी है तो उसमें पार्टिसिपेट करो, ठीक है, उसका शेड्यूल आ चुका है तो वो देखो, और महाराष्ट्र का भी स्टेट कोटा का आएगा जल्दी तो वो भी देख लेना, ठीक है दादा, 541 ओबीसी महाराष्ट्र इंडियन गवर्नमेंट, ओबीसी गवर्नमेंट तो चांस नहीं है यार, बट तभी भी देखेंगे क्या होता है, एसएमएल आने तक रुकना, एक बात बता दूँ, एसएमएल पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है, और इस साल और भी ज़्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि यार मैंने पहले ही बताया 3070 ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा, और 521 एससी कैटेगरी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कुठले भेटू शकतो, तो क्षितिज भावा तुला मिळणार हे तर 100% आहे, बट एसएमएल होऊ दे, एसएमएलच्या बेसिसवर तू ठरू शकतोस, मग तेव्हा सांगता येईल की तुला कोणतं मिळेल कॉलेज, ठीक आहे, 580 मार्क्स ओबीसी कॅटेगरी, सर एससी कॅटेगरी 356 मार्क्स कॅटेगरी आहे, सर 551 एससी कॅटेगरी महाराष्ट्र कोणतं करू शकतं, एसएमएल येऊ द्या, एसएमएल नंतर सगळं कळेल, ठीक आहे, हिल एरियाचा काही फायदा आहे का, 100% भावा हिल एरियाचा खूप जास्त फायदा आहे, खूप जास्त, हो 100% क्षितिश तुला तर मिळणार 100% आहे, बट तू प्रिफरन्स व्यवस्थित दे, ठीक आहे, 3070 कॅन्सल झालेलं आहे, ठीक आहे, तर तू प्रिफरन्स व्यवस्थित दे, प्रिफरन्सवर सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहे, ठीक आहे, प्रिफरन्स ही डिसाईड करतं सगळ्या गोष्टी, तर सर 387 एससी कॅटेगरी एमबीबीएससाठी काही चान्स आहे कान आहे की नाही, ठीक आहे, अरविंद थोरात थोडासा वेट करना है यार, ठीक आहे थोडासा वेट, हाय मृणाल, हाय 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 हाय, डिगडोरा राहते का भाऊ तू, मी वालांडुंगरी राहतो, हो भाऊ मी इथेच राहतो, लता मंगेशकर, हिलियर ओबीसी 5 लाईस, 100% तुला गव्हर्नमेंट भेटतं, ठीक आहे अथर्व, तुझे 100% गवर्नमेंट मिलेगा, तुझे 540 है और आपका स्पेशल रिजर्वेशन है हिल एरिया का, तो आपके पास वो होगा, वो डॉक्यूमेंट होगा तो आपको 100% मिलेगा, तो अच्छे से नहीं होगा तो अच्छे से बनवा लेना, ठीक है, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते वक्त करते टाइम आपको पूछेंगे, तो वो आपके पास होगा तभी आपको वो स्पेशल रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है, 399 एससी कैटेगरी महाराष्ट्र भेटणार का भाऊ, एसटी 100% भावा तुला 100% मिळणार एसटी कॅटेगरी आहे, आणि एक बात मैं बता दूँ, पूरे स्टेट में स्टेट कोटा से हो या ऑलमोस्ट अपने अपने रिस्पेक्टेड स्टेट से हो, ठीक है, स्टेट कोटा से हो, ठीक है, एसटी कैटेगरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला इस साल, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं थे एससी के, ठीक है, और सीट्स भी बड़ी है थोड़ी बहुत, तो एसटी कैटेगरी का मतलब जो पहला रैंक था ना, अपने पहले रैंक मतलब 2019-18 में मिला था ना जिस रैंक पे, ऑलमोस्ट उसी रैंक पे मिलने वाला है, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा आगे जाएगा, बट इतना जाने नहीं वाला है, जैसे मिलाने दो, जैसे मिलाने के बाद तो सब कुछ क्लियर होगा ही, अरविंद थोरात हो बाबू दादा 3070 तर गेला आणि मी आता रॉम मधून आहे राष्ट्र ऑफ महाराष्ट्र में, तरी त्याचा किती इम्पॅक्ट पडू शकतो, जास्त इम्पॅक्ट नाही पडणार भावा, टेंशन नको घेऊ, ठीक आहे, 528 NT3 कोणतं कॉलेज भेटेल, NT3 कॉलेज भेटणार 100%, ठीक आहे, बट जोपर्यंत एसएमएल येत नाही तोपर्यंत आपण क्लिअर सांगू शकत नाही, ठीक आहे, कारण की हे जो रँक आहे ना ते ऑल इंडिया रँक आहे आणि ऑल इंडिया रँकवर तर कॉलेज नाही ठरत, 85% कोटासाठी, ठीक आहे, तर मग थोडासा वेट करा एसएमएलसाठी, एसएमएल के बाद देखेंगे आपण, सर पक्का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा एसटी कैटेगरी ऑफ 470 मार्क्स, 100% आनंद साई 100% एसटी या एससी, आपने शायद मुझे अभी बोला था एससी कैटेगरी, एसटी होगा तो 100% मिलेगा और एससी में भी मिलेगा 470 मार्क्स, ठीक है, स्टेट कोटा से, ऑल इंडिया कोटा नहीं स्टेट कोटा से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, 494 ओबीसी प्लस हीली एनी चांस गवर्नमेंट, 494 ओबीसी प्लस हीली,
चांसेस तो है क्योंकि आपके मार्क्स तो कम हैं 494, बट हिलियर का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो चांसेस है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, वो सर्टिफिकेट रखना सर, 3070 पक्का गेला का। डॉक्टर KD4 अलमोस्ट गेलेलच आहे। ठीक है, अलमोस्ट गेलेच, बट थोडं सा यार वेट करावं लागेल, कारण की 20 आय थिंक 28 रिझल्ट आहे त्याचा। ठीक आहे, कोणीतरी पेटिशन टाकलं होतं। ठीक आहे, ऑलमोस्ट 28 रिझल्ट आहे, देन हम देखेंगे क्या होता है। ठीक है सर, 497 कन्फर्म भेटणार का? टेन्शन येते MBBS। शुभम राठोड यार टेन्शन नको घेऊ, ठीक आहे, SML येऊ दे, विजय कॅटेगरी ना। हे बघ, 500 आसपास आहे ना तू। ठीक आहे, 500 के मतलब 500, ऑलमोस्ट 500 तक रीच किया है तूने, 500 तो मिल सकता है तुझे, तू टेंशन मत ले। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट भावा, सेमी गवर्नमेंट, ओनली सिंगल नॉट थिंग, सेमी गवर्नमेंट। थैंक्स भाव, जय महाराष्ट्र, जय महाराष्ट्र भाऊ, जय महाराष्ट्र। यार आज के बारे में ना किसी को पता नहीं था, मतलब ऐसे आया मैं ऑनलाइन। ठीक है, सोचा तो प्राइवेट कॉलेजेस मध्ये गवर्नमेंट MBBS सीट असतात का भाऊ? अरविंद थोरात, 85% जे सीट्स असतात ना ते गव्हर्नमेंट थ्रू फिल केले जाते, म्हणजे 100 असेल तर 85 सीट्स हे नीट थ्रू जातात। ठीक आहे, काउन्सिलिंग थ्रू, म्हणजे आपली प्रोसेस राहती त्याच्या थ्रू, ठीक आहे, उसी से भरे जाते। तो बाकी के 15 सीट्स जे होते, 15% सीट्स जे होते वो मैनेजमेंट के रहते। ठीक है, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि कैसे भरे, मतलब कितना पैसा ले। तो हाँ ठीक है, 533 OBC महाराष्ट्र कुठे लागेल यार नंबर? ठीक है नयन, थोडं सा वेट करावं लागेल तुला, SML येऊ दे। ठीक आहे, SML वरच डिपेंड करतं, मी परत परत सांगतो, SML वरच डिपेंड करतं की कुठे नंबर लागेल। ठीक आहे सर, 465 में पक्का गव्हर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या SC कैटेगरी महाराष्ट्र? 100% तो नहीं बोल सकता, बट मेरे हिसाब से मैंने जो प्रेडिक्ट किया है, आप वीडियो देख लीजिए एक बार, 465 मिल सकता है। ठीक है, अरे नहीं, इग्नोर नहीं कर रहा हूं मैं, अरे यार इग्नोर थोड़ी ना कर रहा हूं मैं यार, रियल प्रसाद पाटिल। अभी वो चार्ट जाती ना जल्दी जल्दी तो नहीं समझ में आता। SML कभी ये भाव, SML का थोड़ा सा वेट करा लागेल थोड़ा सा। ठीक है, 579 MP, 579 MP, 30,000 रैंक। ठीक है, फाइव सेवेंटी नाइन ना भाई, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, आपको, आप सेफ हो, ठीक है, आप सेफ हो, MP वाले आप सेफ हो, 579 मार्क्स है आपको, आप सेफ हो। आप एक बार कैटेगरी बताना मुझे। ठीक है, अरे इग्नोर नहीं कर रहे भावा, इग्नोर नहीं कर रहे। ठीक है, ते चार्ट फास्ट पढ़ते हैं ना तर मला समझत नहीं है, तर मी घेतोय सगळ्यांचं, तू परत परत मैसेज करना एक बार, असं एक बार माझ्या नजरेत आल्यानंतर मी बोलणारच ना, ऑब्विसली। सत्या अतुल उगले, LMC ची फीस ओपन साठी ऑलमोस्ट 10 लाख पकडून चला। ठीक है, यावर्षी किती आहे माहिती नाही है, इस साल फीस कितनी है वो बता नहीं सकता। ठीक है, अपन फिर से करेंगे लाइव, इस बार यूट्यूब पे करेंगे यार, क्योंकि आज के बारे में, आज लाइव आने वाला हूँ ये शायद बहुत लोगों को पता नहीं था, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, देखेंगे अपन फिर से आएंगे। ठीक है सर, सेमी गवर्नमेंट MBBS पर ईयर फीस वो वेरी करता है भाई, वो कॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है, कैटेगरी पे डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा, तो सेमी गवर्नमेंट का अपना अपना कॉलेज का बहुत अलग रहता है। ठीक है, वो आपको कॉलेज के साइट पे, रिस्पेक्टेड कॉलेजेस के साइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वो पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर कैटेगरी वाइज। शुभम राठौड, सतीश मैत्रे, थैंक यू यार। आणि SC कॅटेगरी साठी स्ट्रक्चर फी काय असते सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मध्ये प्लीज सांग। SC कॅटेगरी जो अरविंद थोरात, मैंने अभी बोला कि एक बार ना सभी जो सेमी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है उसके वेबसाइट पे जाओ। ठीक है, वहाँ पे ना आपको
मतलब पूरी कैटेगरी वाइज, ठीक है, वो फी स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, तो वहाँ पे जाके देखो, ठीक है। लातूर गैंग ऑनलाइन सर, एसटी कैटेगरी आंध्र प्रदेश 470। भाई एसटी कैटेगरी बोला ना आपने, हनन साई, तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो 470 100% आप सेफ हो, ठीक है। मैंने अभी बताया कि एसटी कैटेगरी जो है ना, इस साल एसटी कैटेगरी की मतलब एसटी कैटेगरी वाले ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सर्वे आया था कुछ दिन पहले, मैंने शायद पढ़ा था कि ज़्यादा बंदे नहीं है इस साल, ज़्यादा एस्पिरेंट नहीं है नीट वाले एसटी कैटेगरी के। तो एसटी कैटेगरी में से आप जो पिछले साल वाला रैंक पे लगा था, ठीक है, वही रहने वाला है, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला, ठीक है। एक बार आपके मतलब स्टेट का जो रैंक होता है ना, वो आने दो, ठीक है, स्टेट मेरिट नंबर आने दो, स्टेट मेरिट रैंक आने दो, तो आपका क्लियर होगा आनंद साई, ठीक है। टेंशन मत लो यार, 403 EWS BMS गवर्नमेंट महाराष्ट्र मेल का, EWS BMS गवर्नमेंट, थोड़ा सा यार साक्षी डी, थोड़ा सा वेट करो ऐसे मिलाने तक, क्योंकि यार BMS का बहुत मतलब कम जाता है, तो और BMS गवर्नमेंट कॉलेज भी कम है, तो कुछ बता नहीं सकते अभी, तो यार टेंशन मत लो, अभी ऐसे मिलाने दो, डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखो सब, ये टेंशन टेंशन में ना वो डॉक्यूमेंट्स भूल जाओगे तो वो दिक्कत वाली बात होगी बाद में। होना यार, नेट स्लो यार वहाँ से, खूब जस्ट स्लो है। खूब जस्ट स्लो है क्या मारा नेट? बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है क्या मेरा नेट? एक बार बताना चैट में, क्लियर दिख रहा हो, क्लियर वॉइस आ रही मेरी या नहीं आ रही? ओबीसी 540, 540 ओबीसी प्लस हिलेरिया एकदम परत सांग बाबा। बाबा ठीक है, अथर्व तुला 100% मिळणार, एक तर 540 मार्क आहे तुला आणि हिलेरियाचं स्पेशल रिझर्वेशन आहे, तुला 100% मिळेल, ठीक आहे। आवाज नाही आ रही क्या? वॉइस इज क्लियर यार, मतलब अरे यार कोई कोई बता रहा है कि वॉइस भी क्लियर है, वीडियो भी क्लियर है, ऑल क्लियर है यार, क्या मतलब? सतीश आपका शायद नेटवर्क स्लो है चंद्रपुर में। अगली बार ना हम क्या करेंगे, ठीक है, गुड क्वालिटी प्लस वीडियो वॉइस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अगली बार ना हम अनाउंस करके आएंगे, ठीक है, वाईफाई बदलूंगे, भाव वाईफाई नहीं, गरीब है मैं। एच और चालू है, संकेश विद्यार्थी 463 ओबीसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट चांस, गवर्नमेंट चांस नहीं यार, तुझे स्पेशल रिजर्वेशन होता तो मिल जाता, सेमी गवर्नमेंट चा फीस डिटेल कुठे भेटणार? सेमी गवर्नमेंट चा फीस डिटेल ना कॉलेज चा रिस्पेक्टिव मतलब जितने भी कॉलेज सेमी गवर्नमेंट उनके वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और वो रिसेंट अपलोड भी करेंगे इस साल का, क्या होगा थोड़ा सा चेंज होता ही रहता है, सेमी गवर्नमेंट की बढ़ती रहती है हर साल, ठीक है, पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ लेना, पिछले साल का किसी के पास हो फीस स्ट्रक्चर तो, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स 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 का वीडियो मैंने बना दिया है, एक बार देखो, ठीक है। और एक बात बतानी थी सबको कि धन्यवाद यार, ठीक है, अरविंद थोरात, अपन फिर से करेंगे यार, क्योंकि आज ना मैंने मतलब ऐसे मूड हुआ आया ऑनलाइन, ठीक है, तो शायद बहुत लोगों को पता नहीं था, डीएम करते रहते यार तुम, बट लाइव के बारे में किसी को पता नहीं था। सर 603 यू आर आई जी एम सी और MGIMS लागेल का, आता रिप्लाय कराना प्लीज, आई एम गौरव, ठीक है। हे बघ, 603 मार्क आहे तुला, 100% गव्हर्नमेंट मिळणार, आणि जर तुला IGMC पाहिजे असेल तर प्रिफरन्स व्यवस्थित भरावं लागेल, ठीक आहे। MGIMS म्हणजे सेवाग्रामचं वगैरे मी नाही सांगू शकत, सेवाग्राम के बारे में नाही बोल सकता, बट IGMC तुझे मिलेगा, बट तुझे प्रिफरेंस अच्छे भरने होंगे, अच्छे से भरने होंगे, ठीक है, अच्छे से फिल करने होंगे, ठीक है। प्रिफरेंस पे ध्यान दे अभी से, रैंक वाइज वो बना के रख, ठीक है।
तुझे मिलेगा 100%, ठीक है. कट ऑफ पडणार का विजय कॅटेगरीचा लास्ट इयर पेक्षा थोडंसं वाढणार 100%. शुभम राठोडजी यार, नेट का इशू है बहुत ज़्यादा, मुझे शायद बंद करना पड़ेगा अभी. तो क्या करेंगे अपन लोग, अपन लोग फिर से आएंगे, ठीक है. इस बार यूट्यूब पे करेंगे, यूट्यूब पे करेंगे. इस सेमी भेटू शकते का कन्फर्म मुझे कड़े 100%. सेमी गवर्नमेंट तो आपको 100% मिलेगा शुभम राठौर, ठीक है. 100% हाँ भाई मिलेगा तुझे, ठीक है. अपन अगली बार क्या करेंगे, इन्फॉर्म करके लाइव आएंगे, ठीक है. इन्फॉर्म करके लाइव आएंगे, बाद में सबको पता चलेगा. MBBS चांसेस इन एब्रॉड, थोड़ा डिटेल में. भाई एब्रॉड के बारे में मैंने पहले ही बताया कि एब्रॉड के बारे में मतलब मेरा ओपिनियन, मेरा पर्सनल ओपिनियन ऐसा है कि एब्रॉड मतलब एब्रॉड नहीं जाओ, ठीक है. मैंने पहले भी बोला है कि एब्रॉड मेरे हिसाब से मतलब एब्रॉड जा रहे हो यार तुम, मतलब गिव अप कर रहे हो, ठीक है. सीधा सीधा पॉइंट पे, दिल पे मत लेना, बट एब्रॉड जाने की जो सोच रहा है ना, वो सीधा सीधा गिव अप कर रहा है, ठीक है. यहाँ पे गिव अप कर रहा है. आज आप करोगे, ठीक है. 7 मंथ बाकी, 7 मंथ शायद रिमेन है अगली एग्जाम को, तो एग्जाम पे फोकस करो यार, एग्जाम दो वहाँ जाने की बजाय. क्योंकि वहाँ जाओगे 4-5 साल ऐश करोगे, और जब वापस आओगे तो एग्ज़ाम होने वाली है FMG की वगैरह वगैरह. तो वहाँ पे बाद में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीक की 30 समय. तो मुझे ऐसा लगता है कि मत जाओ, ठीक है. यहाँ पे करो, 7th मंथ रिमेन है तो यहाँ पे पढ़ाई करो अच्छे से, रिपीट करो यार, कुछ नहीं होता, ड्रॉप लो, ठीक है. और जो आप बाहर से MBBS करके आओगे ना, तो क्या होता है ना, वो एग्ज़ाम आपने पास, जब तक वो एग्ज़ाम FMG की एग्ज़ाम जो MCA की एग्ज़ाम होती है, वो जब तक आप क्लियर नहीं करते ना, तब तक आप इंडिया में 12th पास हो. आपके पास सिर्फ सिर्फ मतलब 12th पास का ही सर्टिफिकेट है, ठीक है. तो सोचना मत, ये यहाँ पे आप कर सकते हो. आपको अभी जितना कर जो सोच रहा है ना कि मैं नहीं कर सकता यहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, तो भाई सुन ले, तुझे ही बोल रहा हूँ मैं जो ऐसा सोच रहा है ना, तुझे ही बोल रहा हूँ कि भाई सुन ले मेरी बात. तू जब जाएगा ना बाहर, ठीक है, तो आने के बाद ना तुझे एग्ज़ाम के लिए इससे भी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसलिए, ठीक है, 3 ही सब्जेक्ट है. तो तू ये नहीं कर सकता तो FMG का क्या करेगा भाई, ठीक है. सीधे सीधे बोल रहा हूँ मैं, किसी को बुरा लगे तो दिल पे मत लेना. SML नंबर कब आएगा, थोड़े दिन रुको यार, थोड़ा ही दिन मतलब आएगा. 3070 से कहा जाएगा, ऑलमोस्ट कैंसिल ही होने वाला है 3070 विकी. अरे साई थैंक यू यार, ठीक है सर. 465 SC महाराष्ट्र MGMS वर्धा मेल का SC. नहीं यार, मला तर नाही वाटत तुला मिळेल म्हणून, तरी तू प्रिपरेंस व्यवस्थित भरशील, ठीक आहे राहुल, ठीक है. एब्रॉड के बारे में ऐसा सोचना यार, ठीक है. एब्रॉड के मतलब एब्रॉड मैंने तो पूरा क्लियर कर दिया भाई. प्रिफरेंस लिस्ट डाल दो अपने अकॉर्डिंग, आरवी चौहान, ठीक है. प्रिफरेंस लिस्ट वो मार्क्स के बेसिस पे डिपेंड करता है, मतलब मेरे मार्क्स कितने हैं, मुझे कौन से प्रिफरेंस डालने चाहिए मेरे रैंक्स के अकॉर्डिंग, वो डिपेंड करता है, ठीक है. तो मैं मेरे हिसाब से डालूंगा तो वो आपको अप्लीकेबल नहीं होगा ना, तो अपनी अपनी अलग बनानी चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है. तो अभी से काम पे लग जाओ, अभी टाइम है ऐसे मिलाने तक, मतलब वो टाइम है पूरा काउंसलिंग में थोड़े दिन और, तो अभी से काम पे लग जाओ. वो प्रीफरेंस पे ध्यान दो, क्योंकि कईयों का कॉलेज भी मिस होता है यार वो प्रीफरेंस अच्छे से नहीं भरने की वजह से, ठीक है. साक्षी DSML का दिए, SML ला थोड़े दिवस लगते यार, थोड़े दिवस, थोड़े अजून दिवस वेट करा, SML यही, ठीक है. 560 पर OBC गवर्नमेंट मेल का 100% OBC गवर्नमेंट मिले, थोड़ा सा वेट करा, इससे मिले ही पसंद है, ठीक है. और अगली बार ना हम YouTube पे लाइव करेंगे यार, क्योंकि YouTube पे ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, और ये Instagram पे ना पहले अनाउंस करना पड़ता है कि आओ, ठीक है, YouTube लाइव होने वाला है. थोड़ा MBBS लाइव कैसा है बता दो.
एमबीबीएस लाइफ भाई, एमबीबीएस लाइफ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा मानना ऐसा है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन ऐसा है कि मतलब इंडिया में से सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जो डिग्री है ना, मतलब जो प्रोफेशन है ना, वो एमबीबीएस है। तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको? ठीक है, वन लाइन में डिस्क्राइब किया, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट। और जिनको पैसा चाहिए वो तो है ही, ठीक है, जो पैसों के लिए कर रहे हैं वो तो है ही, बट जिनको रिस्पेक्ट चाहिए ना, मतलब जिनको दिल से कुछ करना है किसी के लिए, तो एमबीबीएस सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ठीक है, क्योंकि एमबीबीएस ऐसा है कि मेडिकल सेक्टर में एमबीबीएस डिग्री ऐसे है कि लिमिट्स नहीं है अपन को। ठीक है, अपन मतलब आगे भी जाके पीजी करके, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी करके वो बाउंड्रीज पूरी तोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब कैसे डिसाइड करें प्रिफरेंस लिस्ट? आरोही चौहान, मैंने अभी बताया कि प्रिफरेंस वो मतलब आपका रैंक डिसाइड, रैंक कितना है उस पर, उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। वो आप बना के रखो, पिछले साल इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, इस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिला था, वो रैंक वाइज वो स्टडी करके, पिछले साल की लिस्ट निकालो, वो रैंक वाइज स्टडी करके, एसएमएल वो मार्क्स वगैरह मत देखना। ठीक है, एसएमएल और मतलब आप एसएमएल, ठीक है, रैंक देख के वो पूरा फॉर्मेट तैयार करो। ठीक है, उसके उसके बेसिस पे आप अपना कॉलेज, मतलब कॉलेज प्रिफरेंस लिस्ट बनाओ। सर, आपको कितनी फीस लगी एलएमसी में? भाई मैं ओबीसी हूँ तो सोच ले तू अपने आप ही, सिंगल नॉट थिंग। बस यार, ठीक है, एंड करते हैं अपन, फिर से करेंगे। ठीक है, फिर से मतलब कब करेंगे? यूट्यूब पे करेंगे इस बार। ठीक है, और पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी कि हम यूट्यूब लाइव करने वाले, तब हम मतलब अभी ज़्यादा लोग नहीं आ रहे ना, बहुत ही कम लोग आ रहे हैं, तो किसी को पता नहीं है शायद। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर। मेरा नेट भी स्लो चल रहा है इस बार आज, तो आज के लिए इतना ही था। ठीक है, जिसका नहीं होगा वो डीएम करो मुझे। ठीक है, और जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका उनके लिए मतलब सॉरी। ठीक है, सॉरी जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर सका ना, जिनका मैं नाम, जिनका मैं चैट में नहीं भर सका, या डीएम भी मैं नहीं कर सका, किसी को मैं डीएम का रिप्लाई भी नहीं कर सका, उनको सॉरी। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ। तो मिलते हैं अपन अगले लाइव सेशन में। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए, मेरे इंस्टा पे भी बने रहिए, स्टोरीज पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। और एक बात, एक्चुअली अपना चैनल ना, थैंक यू यार, थैंक यू 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 यार। ठीक है, मैं एक बात बता देता हूँ कि अपना जो चैनल है ना, वो सिर्फ मतलब ये अभी नीट चल रहा है, नीट का मतलब नीट का टाइम है, तो नीट के लोगों को गाइड करने वालों, जो ड्रॉपर्स है ना, अभी जो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आएगा। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स आएगी। ठीक है, और मोटिवेशन, टिप्स एंड ट्रिक प्लस मोटिवेशन। ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी ड्रॉप लिया है, तो कैसा फील करते हैं लोग। तो टिप्स एंड ट्रिक्स प्लस मोटिवेशन और ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे अपन। मेरे एग्ज़ाम होने दो एक बार, मेरी एग्ज़ाम है जनवरी में, उसके बाद ब्लॉगिंग वगैरह करेंगे और बहुत सारी चीज़ें होने वाली है अपने चैनल पे। ठीक है, चैनल सिर्फ मतलब वो मेडिकल सेक्टर के लिए नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होने वाली, तो चैनल पे बने रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, और बाकी के लिए इंस्टाग्राम है ही, इंस्टाग्राम पे मैं स्टोरीज डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, मिलेंगे फिर। जय महाराष्ट्र।